हिसाब से आप उम्मीद करूंगी कि सब कैरियर से होंगे। सो आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है गर्ल्स। वीडियो में आज मैं शेयर करने वाली हूँ इफ्तार पार्टी मेकअप लुक। आप इसे ईद पे भी ट्राई कर सकती हैं इफ़ यू वांट। सो आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक मेरी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुँच सके। तो वीडियो का इंट्रो है ना इतना ज़बरदस्त, ना आउट्रो है कुछ खास, वीडियो को देखना है पूरा, बस इतनी सी है रिक्वेस्ट। तो जैसा कि रमज़ान है और इफ्तार पार्टीज़ होती हैं, लोग इफ्तारियां करवा रहे होते हैं, बहुत अच्छा काम है, बहुत सवाब का काम है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सिंपल रखें, क्योंकि हमारे मतलब ये नहीं है कि हम बहुत लग्जरी चीज़ें करें। फिर जो तबका ये सब नहीं कर सकता तो वो बहुत डिग्रेड होता है और उसमें एहसास कमतरी पैदा होती है। सो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। तो चलिए अब जल्दी से रेडी होते हैं। सो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ स्टिक, कंसीलर स्टिक, जो मेरे शेड से लाइटर है, एक दो शेड। सो ये वाली स्टिक मैं यूज़ करूँगी अपनी आईज पे। सो देन आपने करना है इसे ब्लेंड अच्छे से। सो कंसीलर जो है वो अच्छे से अप्लाई हो गया। अब बारी आती है हमारी फाउंडेशन की। सो आपने अब लगानी है फाउंडेशन। सो मैं फाउंडेशन जो है वो अपनी एज यूजुअल फेवरेट फाउंडेशन लगा रही हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशन। आपने इसे अच्छे से ब्लेंड करना है जैसे मैं कर रही हूँ। सो मैंने बहुत ही मिनिमल करके फाउंडेशन जो है वो अप्लाई कर ली है। अब मैं लगाऊंगी अपना लाइट कलर का कंसीलर ताकि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो प्रॉपरली हाइड हो जाएं। सो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज का कंसीलर। आप अपने पिगमेंटेड एरियाज को भी इससे कवर कर सकते हैं। सो इसलिए मेरा ये एरिया जो है वो ज़्यादा डार्क होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। सो अब आपने लेना है एक स्पंज और उससे इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सो नाउ अब आप देख सकते हैं मेरी कंसीलर फाउंडेशन सब अप्लाई हो चुका है। अब आपने लेना है कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर और उससे अपने फाउंडेशन को लो करना है। सो फाउंडेशन अप्लाई हो चुकी है, अब हम लेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर। ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है। सो इसमें एक स्पंज भी मिलता है आपको। सो इसी को मैं लेते हुए डैबिंग मोशन में लगाऊंगी। सो आपने इसे डैबिंग मोशन में अच्छे से अप्लाई कर लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर। इससे आपका मेकअप जो है वो लॉक हो जाएगा, वाटरप्रूफ हो जाएगा, स्वेट प्रूफ हो जाएगा। सर अब बारी आती है हमारे आईब्रोज मेकअप की। सो आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज का ये आईब्रो पैलेट, जो कि बहुत अच्छा है। ये काफ़ी कलर्स में आता है, मेरे पास ये है कलर 4 आई थिंक। तो अब इसका मैं ये वाला कलर ले रही हूँ। आईब्रोज भी हो गई हैं हमारी, अब हम चलते हैं अपने आईज मेकअप की। अपने आईब्रोज मैंने बहुत अच्छे से सेट कर ली हैं ब्राउन, डार्क ब्राउन आई शेड से। सो अब हम करेंगे अपना आईज मेकअप। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये हुदा की न्यूड आई शेडो पैलेट। सो इसका ये जो वाला ब्राउन कलर है, दिस वन, ये वाला जो कलर है वो मैं यूज़ करूँगी। एंड इस कलर को ले कर अपनी पूरी आईलिड पर आपने लगा लेना, ठीक है। बिकॉज हमने इफ्तार पार्टी का मेकअप करना है तो उसके लिए मिनिमल सा न्यूडिश सा मेकअप ज़्यादा बेस्ट लगेगा अकॉर्डिंग टू मी। सो इस ब्राउन कलर को आपने अपनी आईलिड पे फैला देना है। ये कलर आपको बहुत न्यूडिश सा मेकअप जो है वो क्रिएट कर देगा, और आपने अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग इज द की ऑफ मेकअप्स। सो यस, आप देख सकते हैं मैंने जो है ब्राउन कलर बस अप्लाई किया है। अब आपने क्या करना है, एक बारीक ब्रश लेना है और उससे थोड़ा लाइट कलर लाइक दिस
ये वाला जो लाइट कलर है आपने इसे अपनी ऊपर वाली आईलिड के ऊपर जो है वहाँ अप्लाई कर देना, ताकि एक शार्प जो लाइन जो है वो क्रिएट ना हो और बहुत ही ब्लेंडिंग में सारी चीज़ें हो जाएं। आइस मेकअप लाइक दैट इस तरह से बस करना है, नॉर्मल सा मेकअप होगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको और इफ्तार पार्टी के लिहाज से बहुत ही अमेजिंग लगेगा। सो अब हमारी बारी आती है, आई शेड्स हो गए, अब हम लगाएंगे काजल। कोई भी आप काजल पेंसिल ले सकते हैं, सो उसके साथ आपने इसे यूँ लगा देना। पहले आइज़ के अंदर लगा लेते हैं। तो आप देख सकती हैं काजल जो है इस आईज पे मैंने लगा लिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस तरह का मेकअप जो है वो इफ्तार पार्टीज़ और इस तरह मतलब कि इस तरह की लुक्स के लिए बहुत अमेजिंग होता है। सो अब मैं दूसरी आईज पे लगाती हूँ, पहले हम अंदर वाली आईज पे लगा लेते हैं। मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, आप देख सकते हैं। बस हमने लगाना है मस्कारा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आपकी आई लैशेज बहुत इन्हेंस हो जाती हैं एज यू नो आई नो। सो आईज मेकअप प्रॉपरली हो चुका है, अब हमने यूज़ करना है जी ब्लशन। ब्लशन के लिए मैं ये वाली किट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मैं लूँगी ये ब्राउन शेड एंड ये पिंक शेड, ब्राउन और पिंक शेड मिक्स करके लूँगी। सो चलिए अब हम अपने ब्लशंस लगाते हैं। सो उसके लिए मैंने लिया है पहले ब्राउन एंड पिंक मिक्स करके। तो ब्लशन के बाद बारी आती है हाइलाइटर की। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का ये वाला हाइलाइटर। सो इसके लिए आपने पेन ब्रश लेना है और सेटिंग स्प्रे लेना है, उसको आपने इस तरह से दो तीन पंप्स सेटिंग स्प्रे कर देने हैं, या रोज़ वाटर है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप लगाएंगे तो उसका ग्लो जो है वो और ज़्यादा नेचुरली निकलेगा। अब आपने लेना है एक बारीक सा ब्रश और अपनी आई ब्रो बोन पे लगा देना है हाइलाइटर। और इसी तरह आपने इनर कॉर्नर पे लगा देना है, ठीक है। अब आपने इनर कॉर्नर पे ज़्यादा करके लगाना है, ठीक है। आप इसे फिंगर से भी लगा सकते हैं लाइक दैट। सो यस, ये मेकअप हो चुका है डन एंड अब बारी आती है हमारी लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए जो मैं कलर यूज कर रही हूँ सबसे पहले वो दिखा देती हूँ। सो मैं उसके लिए यूज कर रही हूँ ये वाला ब्राउन शेड, और इसके साथ ही मैं शेड यूज कर रही हूँ मेडोरा का 565 पिंक शेड। इन दोनों कलर्स को मिला के यूज़ कर रही हूँ। सो ये दोनों शेड यूज़ करूँगी, लेकिन उसके साथ मैं आपको बता दूँ ब्राउन कलर के साथ मैं बाहर आउटर जो है वो लिप शेप बनाऊँगी। सिर्फ लिप शेप नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा कलर लगाऊँगी और फिर अंदर जो है वो पिंक शेड लगा दूँगी। दैट्स इट। और अब आपने क्या करना है, पिंक शेड लेना है और पिंक शेड को अपने अंदर लिप्स पे लगा देना, ठीक है। अब आपने इसे ब्लेंड कर लेना है, हम देख सकते हैं बहुत नाइस कलर जो है वो बन चुका है। अंदर आप पिंक शेड लगाएंगे और बाहर आप ब्राउन शेड लगाएंगे, इस तरह की लिपस्टिक्स बहुत अमेजिंग लगती है। ये है जी हमारा लिपस्टिक का शेड एंड अब जो है हम यहाँ पे भी हाइलाइटर जो है लगा देते हैं यहाँ पे।
हमारा मेकअप। और अगर आप यहाँ पे वीडियो स्किप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन इसी के साथ मैं आपसे हिजाब ट्यूटोरियल और सॉरी मतलब हिजाब करके हिजाब ट्यूटोरियल भी कह सकते हैं, हिजाब करके दिखाऊंगी और साथ साथ हेयर स्टाइल्स का भी आइडिया दूंगी। सो अगर आप वो सब भी देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी स्किप कर सकते हैं। सो गर्ल्स, हेयर स्टाइल और हिजाब से पहले एक स्टेप जो हमारा मेकअप का रहता है वो है जी सेटिंग स्प्रे। और समर्स में आपको पता है सेटिंग स्प्रे इट्स मस्ट और बहुत ज़रूरी होता है ताकि मेकअप जो है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रह सके। सो आपने इस तरह से शेक करके 2-3 पम्प्स अपने फेस पे कर लेने हैं। सो आपने इसे ड्राई होने देना, आई थिंक मेरी आईज में चला गया है, अभी मैं देखती हूँ। सो आपने बहुत केयरफुली होके जो है वो अपना मेकअप करना है ताकि आपके आईज वगैरह में ना चला जाए। अब आपने इसे ड्राई करना है एंड देन फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। सो इस तरह से आप बियर्ड करके और इस तरह से बाल निकाल के ये वाला हिजाब ये स्टाइल भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप दुपट्टे के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक दुपट्टा इज़ मस्ट होना चाहिए। और दुपट्टा आप लेके और इस तरह से हेयर स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ जो मैं चीज़ वेयर करना चाहती हूँ वो है जी मेरे पास ये झुमकियाँ जो कि इसके साथ बहुत अच्छे से जाएंगी। सो ये झुमकियाँ मैं वेयर करती हूँ। सो इस तरह से आप जो है हेयर स्टाइल कर सकते हैं, इस तरह से आप वेयर कर सकते हैं अपना दुपट्टा। एंड यस, ये था जी आज का ये वाला स्टाइल। और अब मैं आपको इसका हिजाब के साथ ये स्टाइल करके दिखाती हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप बियर्ड नहीं करना चाहते बिकॉज़ गर्मियाँ हैं तो आप, सॉरी मैं थोड़ा पीछे हो रही थी, बिकॉज़ गर्मियाँ हैं तो आप जूड़ा भी कर सकते हैं, जूड़ा करके इसी तरह बाल निकालें तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से झुमकियाँ पहन लें तो और ज़्यादा आपकी लुक जो है वो इनहेंस हो जाएगी। एंड होप सो कि आपको ये लुक ये आइडियाज़ पसंद आ रहे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो अब मैं आपको हिजाब करके दिखाती हूँ। सो गर्ल्स, हिजाब के लिए आप सिंपल हिजाब ही कर सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि थोड़ा सा बाल और थोड़े से ट्रेडिशनल सा मतलब लाइक हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से बालों को पीछे करना है, आगे करना है सॉरी, एंड फिर उसके बाद आप यहाँ पे पिन लगाएंगे, ठीक है, थोड़े से इतना टाइट करके नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा करके आपने पिन लगा देनी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पिन लगाती हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक मैं ये झुमकी जो है वो बाई कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा सही से नज़र आए। और इस तरह से आप इसको कर सकती हैं अगर आप करना चाहती हैं। सो इसी तरह आपने इसको राउंड करना है, जिस तरह फोल्ड हुआ है इसी तरह आप ले जाएं इसे। यहाँ पे आप पिन लगा देंगे एक, और उसी के साथ इस बाल को इधर करके यहाँ पे आप पिन लगाएंगे, पहले यहाँ पे लगा लें। सो यहाँ पे आप एक पिन लगाएंगी और इन बालों को थोड़ा सा यूं सेट कर लेंगी। एंड सो इस तरह से आपने यहाँ पे पिन लगानी है एंड अपने हिजाब अपने बालों को सेट कर लेना है। एंड दैट्स इट, यह है जी आपका हिजाब और झुमकियाँ भी आपकी नज़र आ रही हैं। सो इस तरह से आप कोई भी अपना जो भी दुपट्टा लेना चाहें वो ले सकती हैं। एंड यस, हिजाब
एंड मेकअप ट्यूटोरियल एंड होप सो कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको पता है इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो उम्मीद करूँगी कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी सिस्टर्स फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दुआओं में याद रखें, रमज़ान की ढेरों ढेरों बरकतें समेटें और मेरे लिए भी खुसूसन खुसूसन दुआएं करें। और उम्मीद करूँगी कि आप सब अच्छे से रमज़ान इंजॉय कर रहे होंगे और उसकी बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। सो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।